प्रदेश में लॉकडाउन के चलते जयपुर के कानोता बस्ती क्षेत्र में यूपी, एमपी और बिहार के श्रमिक फंसे हुए हैं। अब राजस्थान सरकार ने पहल करते हुए राजस्थान रोडवेज की बसों से कानोता क्षेत्र के 460 मजदूरों को रवाना किया। इससे पहले डॉक्टर कमलेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में नर्सिंग स्टाफ ने स्क्रीनिंग की। इस दौरान तहसीलदार प्रेमराज मीणा, नायब तहसीलदार शिवदयाल शर्मा, पटवारी दिनेश बैरवा सहित कई लोग मौजूद रहे। लॉकडाउन के दौरान यूपी, बिहार या अन्य राज्यों के जो अप्रवासी श्रमिक थे वो जयपुर या जयपुर के आसपास के क्षेत्र में फंसे हुए थे, उन लोगों को जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार बस्ती उपखंड के दो शेल्टरों बनाए गए थे। एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कानोता और दूसरा गवर्नमेंट सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल कानोता। इनमें लगभग 650 लोग ठहरे हुए थे। इन 650 लोगों को अपने मूल राज्य की बॉर्डर तक पहुँचाने के लिए राज्य सरकार ने निःशुल्क राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का